हेलो नमस्कार दोस्त, मैं विक्की साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के जुगाड़। सो गाइस, आज हम इंडक्शन कुकर ब्लेजिंग 900 को कैसे यूज़ किया जाता है अपने घर में, मैं सिंपल सा ट्रिक इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। यह वीडियो इंडक्शन कैसे यूज़ किया जाता है सेफ तरीके से, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं इस इंडक्शन कुकर को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडक्शन का पावर प्लग अपने पावर बोर्ड में डाल देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम इंडक्शन कुकर को स्विच के माध्यम से ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यह होता है कि इसमें पावर आ गया है और इंडक्शन आपको बोल रहा है कि आप इसमें कोई फंक्शन दीजिए और आप इसमें कोई भी बर्तन गर्म कीजिए, कोई भी चीज़ इसमें गर्म कर पकाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर ऑन ऑफ का। और इस फंक्शन के बटन से हम जितने भी इसमें मिल्क, वाटर, चपाती, डोसा, मैनुअल, डीप फ्राई, करी, प्रेशर कुक, हेल्थ प्रो की फॉर्म, ठीक है, इतने सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन की के माध्यम से ये सभी फंक्शन एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। इसमें इसका वाटेज मैनुअली नहीं रहता है, ऑटो रहता है, ठीक है। इसमें इसका वाट अलग रहेगा, आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं किस मैनुअली वाला ऑप्शन है, उसमें आप वाटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने हीट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चाइल्ड लॉक का बटन है, ये इसमें पावर का बटन है जिसमें पावर का दिखाते हैं कितना पावर आ रहा है, टाइमिंग जो बहुत ज़रूरी होता है हर इंडक्शन में। इसके बिना तो आप इंडक्शन को खाली ही समझेंगे, क्योंकि इसमें हम टाइमिंग सेलेक्ट करके अपने काम को कर सकते हैं और इसमें हम जो भी खाना है उसको पकने के लिए छोड़ सकते हैं। ये तो आप देख सकते होंगे, ये माइनस और प्लस का, तो इससे हमारा वाटेज कम ज़्यादा होता है जिसमें हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये स्टॉप करने का, पॉज करने का, ठीक है, जिससे हम पॉज कर सकते हैं अपने जो भी मर रहा है उसको, इसका फंक्शन को पॉज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बर्तन रखते हैं तो आप देख सकते होंगे थोड़ी देर पहले मैं इसमें गर्म किया था ताकि आपको उबलते हुए दिखे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पावर बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही देखिए पावर बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले बोल रहा है कि आप कोई फंक्शन दीजिए, ठीक है। इस ब्लिंक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें फंक्शन देता हूँ तो देखिए मिल्क वाटर में आ गया, ठीक है। मैं टाइमिंग को ऑफ करता हूँ तो जैसे ही मैं फंक्शन की सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसमें ऑटोमेटिकली ही इसमें 1300 वाट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैं फंक्शन को इस मैनुअल में करता हूँ तो ये 1800 वाट का इंडक्शन कुकर है, देखिए इसमें ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, इसमें मैनुअली हो रहा है, देखिए आप। जब भी आप इंडक्शन यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बना क्या रहे हैं, चाय बना रहे हो, खाना बना रहे हो, क्या पका रहे हो, यह चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही अपना टेम्परेचर सेलेक्ट करें, ठीक है। इस मैनुअल ऑप्शन में जाकर फंक्शन की के माध्यम से सेलेक्ट करके मैनुअल में लाइए और कम ज़्यादा करके अप डाउन करके इस वाटेज को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इंडक्शन देखिए ऑटोमेटिकली हमारा फैन जो चल रहा था वो बंद हो गया, यही हमारा सेफ तरीका है। ऐसे ही जब फैन बंद हो जाए तभी आपको इस पावर बटन को ऑफ करना है, यही हमारा इंडक्शन के लिए बहुत ही सेफ और सबसे अच्छा ट्रिक है अपने इंडक्शन को लाइफ टाइम चलाने के लिए, इससे इंडक्शन सेफ रहता है, ठीक है। यही कुछ जानकारी था इस इंडक्शन के ऊपर जिसे हम आप सभी के बीच शेयर कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम पावर की प्रेस किए, फंक्शन की यूज़ करके हम अपना टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, मिल्क वाटर का है, चपाती डोसा के, तो हम सिंपली इसमें मिल्क वाटर ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये
पानी उबाल रहे हैं हम लोग, तो देखिए। और जैसा कि मैनुअल में लाते हैं तो अपने हिसाब से टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। 1800 वाट का इंडक्शन है तो देखिए 1800 वाट का ये हमारा पानी है और गर्म होने लग गया, इसमें भाप आने भी लग गया। पानी पहले से ही गर्म था, मैं उबलेगा करके इसको पहले से गर्म कर दिया था। तो देखिए आप पानी खोलने लग गया, जब भी आप इंडक्शन ऑफ करें तो इस पावर बटन से ऑफ ना करें, इसको पहले ऑफ कर दीजिए, उसके बाद कुछ टाइम वेट कीजिए इस फैन के ऑफ होने तक, ठीक। जैसे ही हमारा फैन ऑफ होगा तो समझ जाइए कि हमारा इंडक्शन सही तरीके से अपने सही अवस्था में आ गया है, ठंडे हो चुका है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।